हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीट रूट करी। ये बहुत ही यमी लगती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है, तो डेफिनेटली आप ट्राई करिएगा। तो मैंने ये बीट ले लिया था, इसे मैंने ना क्यूब में काट लिया है। तो इसे मैं अभी पानी में भिगा दूँगी, तो इसे हमें धो लेना है एक पानी, ठीक है। तो फिर मैंने ये मिक्सर जार ले लिया है, इसमें मैंने भुना हुआ तिल डाला है। मैंने तिल को ना भून लिया था पहले तवे में। तो मैंने ये मिर्ची ले ली है, मैंने लहसुन ले लिया है और मैंने अदरक ले लिया है। ये मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है। तो इसमें मैंने अभी हरा धनिया डाल दिया है, ये मैंने हबखा धनिया, जीरा और काली मिर्च डाल दूँगी इसमें। और मैं ना सूखा खोपरा डालूँगी इसमें। तो ये मैंने सूखा खोपरा ले लिया है, इसे मैं बारीक काट के डाल दूँगी। तो ये सूखा खोबरे की वजह से ना इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा खोबरा डालकर। तो देखिए, हमें बस इतनी ही चीज़ें डालनी है इसमें। तो मैंने ये पानी डालकर इसे पीस लिया है। तो मैंने ये कुकर चढ़ा दिया है, हम इसे कुकर में बनाएंगे। तो मैंने ये तेल डाल दिया था, अब मैंने इसमें राई जीरा डाल दिया है। इसे हम चटकने देंगे। तो अभी हम इसमें हींग डाल देंगे। तो हींग डालने के बाद अभी हम इसमें कांदा डाल देंगे। कांदा हमें हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। तो देखिए, कांदा अच्छे से हल्का सा ब्राउन हो गया है। अभी मैं इसमें टमाटर डालूंगी। अभी टमाटर हमें ना गलने तक पकाना है। तो देखिए, मैं अच्छे से इसे भून ले रही हूँ। इसी स्टेज में हम इसमें ना सूखे मसाले डाल देंगे, तो जिसके वजह से टमाटर के साथ साथ हमारे सूखे मसाले भी पक जाएंगे ना। तो देखिए, मैं इसमें जो भी आपके पास सूखे मसाले अवेलेबल रहेगा आप डाल दीजिएगा। तो मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, ये सभी डाला है। मैंने इसमें नमक डाल दिया अभी स्वाद अनुसार। तो नमक डालने से ये टमाटर बहुत जल्दी ही गल जाएंगे। तो मैंने ये नमक डाल दिया था और हल्का सा ऊपर से पानी डाल दिया, तो जिसकी वजह से नीचे पकड़े ना करके, मतलब जले ना। तो पानी डालने से थोड़ा सा वो गल भी जाएगा, मसाले भी धीरे धीरे पक जाएंगे उसी में। तो देखिए, ये पक चुका है अच्छे से। तो इसमें मैं अभी बीट डाल दूँगी। तो बीट को भी हमें इसे अच्छी तरह से इसमें भूनना है 2-3 मिनट, तो जिसकी वजह से उसका जो कच्चापन है ना वो लगे ना हमें करके। तो इसे भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है। तो देखिए, बीट भी हमें 2-3 मिनट भून के हो चुका है। तो इसमें अभी हम डाल देंगे ये जो हमने पीसे हुए मसाले। तो हमें ये मसाले को भी अच्छे से भून लेना है। तो देखिए, मैं इसमें अच्छे तरह से भून ले रही हूँ। तो देखिए, मैं अभी क्या करूँगी ना, तो ऊपर से मैंने ये ढक्कन लगा दिया है और इसमें मैंने पानी डालकर इसे ढक दिया है। तो जिसकी वजह से क्या है ना, नीचे मसाले भी पकते रहेंगे और है ना ऊपर से पानी भी गर्म हो जाएगा। तो इसमें हम गर्म पानी भी डालेंगे। तो देखिए, बहुत थोड़े टाइम हो चुका है हमें और पानी भी गर्म हो चुका है। देखिए, मसाले भी अच्छे से उबलने लग गए थे। तो अभी हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैं ये राइस के साथ खाने वाली हूँ, इसलिए मैंने करी टाइप बनाया है। आपको जितनी मतलब ठीक चाहिएगा या थोड़ा पानी जैसे चाहिए रहेगा तो आप ऐसे बना लेना। तो देखिए, मैंने अभी ये ढक्कन लगा दिया है, इसे हम सिट्टी आने तक इसे पकाते रहेंगे। तो जब ये 3 सिट्टी हो जाने के बाद आप इसे बंद कर दीजिएगा। तो जब इसकी हवा निकल जाए कुकर की, तब आप खोलिएगा, तो इसमें धनिया छिड़क दीजिएगा। तो देखिए, हमारी करी बनकर रेडी हो चुकी है और ये बहुत ही यमी थी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।